मैम स्वागत है आपका आज की दास्तां में। आपकी दास्तां तो हम सब लोगों ने आज तक सुनी थी, पर आज हमें मौका मिल रहा है इसे हूबहू आपके मुंह से सुनने का। क्योंकि एक बार मैम मैं ऐसा हुआ, आज तक मैं आपके बारे में सुनता तो आया था, पर पहली बार मैंने आपको बोलते हुए देखा त्रिवेणी कैफे में, शायद 8 से 9 महीने में पहले, जब आप किसी कार्यक्रम में दिल्ली के त्रिवेणी कैफे में मजदूर किसान संघर्ष समिति के मेम्बरान लोगों के साथ अपना व्यक्तित्व प्रेजेंट कर रहे थे। तो उस दिन मैंने पुस्तक खरीदी थी आरटीआई स्टोरी, और यही प्रेरणा का जो सिलसिला है बढ़ता रहा, और मैं आपको ईमेल ड्रॉप करता रहा कि मैम कि कैसे आप बड़े हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, और कैसे हम चाहेंगे कि हम आपसे सामने रूबरू हों, और हमने कैसे अपने गेस्ट को बताया और वो कैसे इंटरेस्टेड थे। तो मैम हमारा पहला सवाल है कि आप एक एक्स आईएएस भी रही, फिर एक एक्टिविस्ट भी रही, रमन मैगसेसे अवार्डी भी रही, लाल बहादुर शास्त्री अवार्डी भी रही, वन ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में भी आपकी सूची रही। तो आप क्या जानना चाहते हैं, आप किस नाम से जानना जाने जाना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन, मेरे संगठन का नाम है। इसमें कहीं संघर्ष है नहीं, आपने उसको संघर्ष समिति भूल गया, तो मजदूर किसान शक्ति संगठन, हाँ मेरे संगठन का नाम है। मैं एक मजदूर किसान शक्ति संगठन और सूचना के अधिकार की अभियान और अन्य अभियानों में और भारतीय महिला संगठन के सदस्य के नाम से जानना चाहूंगी अपने आप। मैं अपने आप को एक साधारण नागरिक इसलिए समझती हूँ क्योंकि मेरे विचार और मेरी दृष्टि एक साधारण नागरिक होने के नाते प्राप्त हुए हैं। उनके संग जीने के मुझे मौका मिला है, वो मेरा सौभाग्य रहा है। उनके साथ दूरदृष्टि से सोचने की जो धैर्य चाहिए मैं उनसे प्राप्त की हूँ, उनसे मैं सीखी हूँ। और मैं अभी मजदूर किसान शक्ति संगठन में नहीं बैठी हूँ, मैं थोड़ी दूर बैठी हूँ आपको आपके साथ ये चर्चा करने के लिए। तो हमने अपने एक चित्र, अपने संगठन का एक चित्र शायद दिखा है, दिखाया है, वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है मैं आपसे पूछना जी दिख रहा चाहती है, हूँ। दिख जी रहा दिख है, रहा है एक झोपड़ी जी। का आपको फोटो दिख रहा है। उस झोपड़ी में जो 1987 में, हाँ मैं और निखिल और शंकर गए थे वहां रहने, और वो मेरे लिए सबसे पवित्र स्थान, मेरे लिए वो कुटिया रहा है। इस कुटिया में गांधी जी के याद आते ही हैं क्योंकि सादगी और कम में रहने का एक बहुत बड़ा एक सोच रहा, उसको क्रियान्वित करने के लिए मौका मिला। मगर उसके साथ साथ महत्वपूर्ण था क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी हमारे लिए नैतिक अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें एक मौका मिला। मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ कि हकों की लड़ाई के साथ यदि हम नैतिकता को नहीं जोड़ते हैं तो कोई भी संघर्ष या लड़ाई खोखला रह जाता है। ये जब तक साथ हम नहीं देखते हैं तब तक हमारे, हम केवल सशक्त होने के लिए कोई संघर्ष नहीं होता है। हम संघर्ष होते होते एक नैतिकता और एक 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 पारं एक पारंपरिक ढांचा में जो क्रमबद्धता है उसके खिलाफ हम लोगों को एक समानता और न्याय का एक ढांचा स्थापित करने के लिए कोशिश भी होना चाहिए। नहीं तो हम लोकतंत्र में काम नहीं कर रहे हैं, फिर हम कोई और पता नहीं कौन से पूर्व कोई ढांचे में काम कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जैसे हमारा संविधान कहता है, समता, आजादी, समता और एक बंधुता, ये तीन चीजों के आधार पर ही ये देश का पूरा सपना रचा हुआ है। तो मैं एक साधारण सदस्य के रूप से ही पहचान, अपने आप को पहचानना चाहती हूँ और इस पहचान को बढ़ाना चाहती हूँ। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे, आपने बताया कि आप एक साधारण व्यक्ति की तरह जाने जाना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि यदि हर व्यक्ति भारत में ये सोचे, क्योंकि तो यहाँ पे हर व्यक्ति की होड़ लगी है कुछ बड़ा करने की, कुछ बड़ा बनने की, यदि हर व्यक्ति सिर्फ साधारण व्यक्ति ही की तरह रहना चाहे और अपनी नैतिकता और अपने काम और अपने कर्तव्य उस नैतिकता से करे जिसका आपने बताया है, तो मुझे नहीं लगता भारत को, जो भारत की एम्बिशंस हैं उसको उसमें बनने में कुछ रोका जाएगा।
मैडम हमने बापू को नहीं देखा, हमने अंबेडकर को नहीं देखा, हमने जयप्रकाश नारायण को हमने नहीं देखा, मैं आज की पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। परंतु जब जब मैं आपके लिए रिसर्च कर रहा था कि क्या प्रश्न होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो क्वोरा पे जो क्वेश्चंस आते हैं, तो कूलेस्ट ह्यूमन अलाइव आफ्टर, आई मीन उसमें एक एपीजे अब्दुल कलाम का भी नाम था उस समय, और फिर आपका भी नाम आया, फिर और ऐसे ऐसे कुछ चंद हीरे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैम आपकी जो एक्ट थी जिससे आज पूरा विश्व, क्या पूरा देश में मोस्ट यूज्ड एक्ट है इंडिपेंडेंस के बाद, कहते हैं कि इससे ज्यादा एम्पावरिंग एक्ट नहीं हो सकती। और यदि एक एक्ट एक तरह से भोजन देने वाला कोई ऐसा काम है, वैसी तरीके से सशक्ति करने वाला ये एक्ट है, आरटीआई एक्ट इतना बड़ा मशहूर या इतना बड़ा साबित हुआ है, ये गेम चेंजर इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ये एक्ट हुआ है। तो मैम ये एक आरटीआई एक्ट का आपके साधारण से दिमाग में कैसे एक आया कि आरटीआई एक्ट के बारे में कुछ सोचते हैं, कैसे आपने करा? क्योंकि आप तो कहते हैं आप साधारण हैं, तो इतनी बड़ी रेवोल्यूशन आपने कैसे सोच ली? कि साधारण लोग ही सोचते हैं। मैं आपको बताऊं, जो अद्भुत लोग होते हैं वो सोच से वंचित रह जाते हैं। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं कि मैं लेबोरेटरी में बैठ के आइंस्टाइन जैसे मैं कुछ सोचूं, गणित की बात करूं, या मैं रामानुजम नहीं हूं और मैं सीवी रामन भी नहीं हूं। मैं ऐसे लोग में गिनती में नहीं आती हूँ। एक साधारण व्यक्ति के नाते साधारण लोगों के साथ जीते ही उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कहीं बैठे दूर और उनके समस्याओं को केवल ऊपरी रूप से समझे तो उसका समाधान नहीं हो सकता है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं एक समूह की एक सदस्य हूँ। उस समूह में बहुत सारे अन्य लोग रहे हैं, उसमें मोहन जी भी रहे हैं, जो मोहन जी एक दलित काश्तकार थे, बहुत बहुत ही कम में जिए हैं, मगर वो कबीर भजनची भी थे। उनको 500 कबीर के गाने भी याद होते थे और उनको लोग बुलाते थे। और उनके दिमाग में जब ये बात उठी कि जब तक हम उन रिकॉर्डों को बाहर नहीं निकलेंगे हमें चोर कहा जाएगा, और उन्होंने एक गीत बनाया जिसमें उन्होंने गाया कि पहले वाले चोर भाई बंदूकों से मारते थे, आज के भी चोर कलम से मारते हैं। वो अपने राजस्थानी भाषा में लिखे, मैं आप में हिंदी में अनुवाद करके बोल रही हूँ। जब इस गाना को हम लोग गाए तो इतने सरलता से उन्होंने इस सोच को लोगों तक पहुंचाया, और वो सोच उनका भी था। इसमें मोहन जी भी इस सूचना के अधिकार के कानून बनाने में उतने ही शामिल थे जितने मैं हूँ। हमारे ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है कि इसमें मध्यम वर्गीय लोगों को आगे देख के देखता है समाज, और जो अन्य साधारण लोग हैं उनको पहचानता भी नहीं है। इस कारण लिस्ट मेरा नाम आगे आया है, नहीं तो निखिल और शंकर के बगैर मैं उस कुटिया में इतने साल रही, शंकर की पत्नी अंशी, उनके बच्चे, हम वो नहीं होते तो मेरा उस कुटिया में इतना लंबा समय रहने का मेरा हिम्मत होता। साथ में पड़ोसी कई सारे लोग, नारायण जो अभी पिछले साल उनकी डेथ हो गई थी, जो 50 साल के भी नहीं थे और मैं गई उस समय 19 साल के थे, वो सरपंच बने। वो हमारे देवडुंगरी जो गांव है जिसमें मेरे मेरा घर स्थित है उसी के सरपंच बने। ऐसे कितने लोगों को मैं गिनाऊं, सुशीला को गिनाऊं, नौरते को गिनाऊं, मैं किसको गिनाऊं? इतने सारे लोग हम मिले तो ये नदी में एक सशक्त नदी बना और वो बहा, और उसके दम की वजह से कई चीजें बनी। बात इतना ही है कि सोच को दो चीजें की बहुत जरूरत होती है। एक तो सबकी बात सुनने की बहुत जरूरत होती है। सोशल साइंसेस में कहते हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग, आप जब तक सुनने की क्षमता नहीं रखते और उसको एक कला नहीं बनाते हैं, तब तक आप जब अच्छी से अच्छी बात कही जाती है उसको अनगिनत कर देते हैं। तो उसलिए आपको उस बातों को सुनने की एक शक्ति शक्ति होनी चाहिए। महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आज की दुनिया में मैं जहां भी देखती हूँ, मेरा मैं मेरा मेरा मेरे हक में हक नहीं होता, हमारे हक में हक होता है, और हमारे हक में विनम्रता नहीं होता है तो वो हक बिल्कुल बह जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग उस हक को समझें, उस हक को काम में लें, और उस हक के साथ साथ नैतिकता के आधार भी। और सुशीला से जुड़ी हुई है, मेरी बात सुन रही है, और सुशीला यदि जाके दिल्ली में ये नहीं कहती जब 1996 में कानून का प्रारूप बना, जस्टिस सावंत
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। हम लोग संघर्ष कर रहे थे राजस्थान में, उसको सुनते सुनते प्रभाष जोशी, अन्य लोग जो बड़े बड़े लेखक थे, पत्रकार थे, वो प्रेस काउंसिल में गए। प्रेस काउंसिल में उन्होंने जस्टिस सावंत उसके अध्यक्ष थे, उनको उनको समझाया कि कानून आपके अध्यक्षता के तहत होना चाहिए, मगर वो कानून बनाते बनाते हमारे साथ रिश्ता रखे। जब वो कानून का पहला प्रारूप पेश किया गया था दिल्ली में 1996 में, तो मेरे साथ सुशीला भी गई थी, और उस समय बड़े बड़े पत्रकार लोग आए थे, बड़े बड़े संपादक सारे थे, जितने अखबारों के संपादक थे वो सब सारे। अब काफी परिवर्तन हो गया है, अभी संपादक हमारे साथ दिखते नहीं है, मगर उस समय सामाजिक कार्य में संपादक भी दिखते थे, तो वो भी आए, जज भी आए, और पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल और वीपी सिंह भी आए थे उसमें। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशीला से पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा तू कितने तक पढ़ी लिखी है, तो उसने कहा मैं चौथी पास हूँ। तो चौथी पास, तो उसने कहा तुम क्या कर सकते हो, इतने पढ़े लिखे लोगों ने ट्राई किया, वीपी सिंह ने ट्राई किया, वो फेल हो गए, अब तुम क्या करोगे इसके लिए, तुम जानती हो सूचना के अधिकार क्या होता है। तो फिर सुशीला ने जो जवाब उसको दिया वो सटीक जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ, और वो इतना महत्वपूर्ण जवाब था। उसने कहा कि मैं अपने बेटे को 10 रुपए देकर बाजार भेजती हूँ और वो वापस आता है तो उससे हिसाब लेती हूँ, ये सरकार हमारे नाम पे अरबों खरबों रुपए खर्च करती है, मैं हिसाब नहीं लूंगी क्या। तो उसने कहा हमारा पैसा हमारा हिसाब, ये नारा भारतीय सारे भाषाओं में अनुवाद हुआ, और 4 शब्दों में उसने पूरा सारांश सूचना का अधिकार को बांध दिया, क्योंकि एक लोकतंत्र है तो हमारा पैसा का हिसाब हमारी सरकार को हमें देना ही चाहिए, और वो पैसे कहाँ खर्च हुआ कैसे खर्च हुआ ये ऑडिटर को दे, सीएजी को दे, सबको दे, मगर हमें देना चाहिए। बाद में सीएजी मेरे से मिले, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो भारत के सारे हिसाब किताब को देखते हैं और उनको अधिकार दिया गया है, वो मुझे मिले, और उन्होंने मुझे ये कहा कि पहले मैं सोचता था कि आटिया है क्या चीज, बेकार है इधर उधर प्रश्न पूछने का हमें परेशान करने के लिए, तो मैं आस्ते आस्ते समझा कि मेरा तो ऑडिटिंग का काम रेखा जुका का, अलग अलग हम बैठते हैं कमरों में हिसाब किताब देखते रहते हैं, मगर सूचना के अधिकार ने एकदम सारे देश के नागरिकों को ऑडिटर बना दिया है, तो हम इतने बड़े नंबर में हो गए हैं, अभी हर एक नागरिक का अधिकार है वो ऑडिटर बनेगा, सरकार का अलग अलग हिस्सों को देखा देख सकता है, अलग अलग हिसाब ले सकते हैं, तो पूरा देश एक तरीके से ऑडिट होगा। वैसे ही कानून में एक लाइन है जो कहता है कि जो कुछ भी सूचना हो, उस सूचना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख सकते हैं, एमपी देख सकते हैं, या विधायक देख सकते हैं, वो सूचना हम भी देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिनिधि देख सकता है वो मालिक मालिक अवश्य देख सकता है, हम मालिक हैं इस देश के, हम मालिक हैं इस, तो हम मलकियत हमें संविधान ने दिया है, तो उसके आधार पर सॉवरेंटी जो कहते हैं, सॉवरेंटी हमारे में वेस्टेड है, तो वो रियलाइज होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो जरा एक छोटी सी चीज ले लीजिए, जिसने पहिया बनाया कौन था वो हमें पता ही नहीं, सिलाई की मशीन किसने बनाया पता नहीं, आज के आधुनिक जीवन पे आ जाइए, किसने ये सारे सूटकेसों पे चार चार पहिए लगा दिए ताकि हमारे कमर में दर्द नहीं हो, पता है क्या उसका नाम, कितने लोगों लोगों के लिए लाभ आया है वो कौन है मालूम नहीं। कभी कभी इत्तफाक से हमारे इक्का दुक्का लोगों का नाम पहचान में आ जाता है, मगर ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमारी वजह से ही हुआ है, कम से कम ये समझना पड़ेगा कि सामाजिक बदलाव जो है वो लाखों लोग करोड़ों लोग मिलते हैं तभी होता है, सबके मन में ये भावना और ये सोच बैठे तभी हो सकता है। उसमें नैतिकता के लिए दो तरफ सोचो, एक तो सरकार की नैतिकता, मगर अपने खुद की नैतिकता के बारे में सोचो, मेरे करीब करीब सब चीजें पारदर्शी हैं, मेरे बारे में कुछ भी पूछते हैं लोग तो मैं उसका सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, यदि मैं सवाल का जवाब मांगती हूँ तो मैं सवाल का जवाब देने के लिए तैयार भी हूँ। यही है मेरा संक्षेप में आपका बहुत ही दार्शनिक प्रश्न का उत्तर। मैम, आपके मूवमेंट से कुछ कोटेशंस जो काफी मशहूर हुई, जो आपने बताया अभी, फिर वो जो गीत है वो भी बताया, ये कोटेशन मैं भी पढ़ रहा था कि हम जानेंगे हम जिएंगे, है ना। ऐसी कुछ कोटेशंस ने काफी
इसमें एक ऊर्जा भरी आपके रेवोल्यूशन में, और लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी क्रिएटिविटी से जिसने जो कर सकते थे एक इसको एक रूप स्वरूप दिया। परंतु मैम सबसे बड़ी बात कि मैं कल ही एक आईएएस से बात कर रहा था, तो मैंने उन्हें कहा क्या अरुणा जी ने आपके बैच का दिया क्या लेक्चर, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो मिस करती हैं कि पर पहले किसी बैच का उन्होंने शायद कभी लेक्चर लिया होगा। तो मैंने सोचा कि मैम जो बच्चे आज अगर मैं राजेंद्र नगर चला जाता हूँ जहाँ आईएएस बनने की दौड़ में लाखों लाखों बच्चे सड़कों पर निकलते हैं, उस आईएएस के पद को आप ठुकरा के एक राजस्थान की एक गांव में रह रहे हैं, और यही नहीं और जो एक आईएएस नहीं कर पाता उससे कितने गुना ज्यादा बड़ा आपने इम्पैक्ट कर दिया है। तो मैम ये जो सीड्स, ये जो बीज हैं आइडियलिज्म के या सोशल एक्टिविज्म के, ये मैम आपका कैसे आपकी रुचि जागी कि मेरे को एक चेंज मेकर बनना है, या मैं अपना जो जीवन है बिना अपने आप को देखे मैं न्यौछावर कर दूंगी कि चाहे आउटकम आए चाहे ना आए, चाहे कुछ इसका रिजल्ट आए चाहे ना आए, पर मैं समर्पित करूंगी सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो ये आप में कैसे, आप मैम ये जो डाइकोटमी ऑफ योर थॉट्स ये कैसे डेवलप हुआ? एक्चुअली यू नो द थिंग इज कि टू थ्री इश्यूज. एक तो मुद्दा ये है कि व्हाट इज पावर. ये हम लोग है ना, थोड़ा सा अपने आप को परखें. हमने लोकतंत्र चुना जरूर है. लोकतंत्र में पावर डिवाइड होता है हमारे सबके ऊपर, है ना, वोटों में डिवाइड होता है. जैसे बाबा साहब ने कहा, सामाजिक और आर्थिक न्याय कब मिलेगा हमें, उसमें बराबरी कब मिलेगी. तो एक पॉलिटिकल ढांचा है, एक राजनीतिक ढांचा है जिसमें हम वोट डालते हैं, तो हमारे सबके पास पॉलिटिकल पावर तो डिवाइडेड है. कुछ लेवल्स पे हम लोग शायद ये शासन को बहुत ज्यादा महत्वता देते हैं. क्या कहा जाता है, सरकारी नौकर और प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, वो भी एक तरीके से जनता के सेवक हैं, लोकतंत्र में हमारे प्रतिनिधि हैं. तो इसको हम जो भूल जाते हैं, तो हमारे एकदम में खुआ आ जाता है कि आईएएस में जाएंगे तो हम बहुत बड़े बन जाएंगे, हमारे यहाँ शक्ति आ जाएगा, पावरफुल हो जाएंगे, हमारे साथ सब केंद्रित हो जाएगा, हमारे यहाँ कैपेसिटी बन जाएगी. और कहने के लिए सब कहते हैं कि हम जा रहे हैं क्योंकि जनता की सेवा कर सकते हैं, मगर मेरी तो गारंटी है कि जनता की सेवा नहीं होती है वहां पे. सबसे पहले तो अपनी सेवा होती है, क्योंकि हमारे तनख्वाह क्या है, हमारे पर्क्स क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, किसके पास कौन सी पोस्टिंग हो रही है, इस पोस्टिंग में किस तरीके की महत्वता हमें मिल रही है, हमें प्रथम महत्वता मिल रही है कि नहीं, मुझे कॉमर्स मिनिस्ट्री में पोस्टिंग हो रही है कि नहीं, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री में पोस्ट हो रही हूँ कि नहीं, मैं होम मिनिस्ट्री में नहीं जा रही हूँ कि नहीं. कई तरीके के क्रमविधता है वहां अंदर. और हम लोग ये भी जाने कि कितने चंद लोग सिविल सर्विस में आईएएस में होते हैं, ज्यादातर लोग तो उस ऑफिस चलाने वाले दूसरे कर्मचारी होते हैं. अंत में फाइल को कौन मेंटेन करता है, कौन उसमें नोटिंग करता है, ये सब कौन करता है, यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें तो वो सरकारी दफ्तर में वो आईएएस ऑफिसर डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे तो ज्वाइन ही नहीं करता है. तो डिप्टी सेक्रेटरी के ऊपर दस्तखत 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 कई बहुत कम लोग विचार रखते हैं. जब मैं सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी, मैं पीएमओ में गई और वहां पे एक आईएएस ऑफिसर से मिली जो आप जिंदा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उनको कैंसर हो गया था. उन्होंने कहा कि देखिए कानून कौन बनाता है, एक बाबू बनाता है, क्योंकि वो फर्स्ट ड्राफ्ट वो कानून में वो बाबू बनाता है. उस ड्राफ्ट को बना के जब भेजता है तो उसके ऊपर पहले अफसरान बैठते हैं, फिर नेता बैठते हैं, फिर वो कैबिनेट में जाता है और कैबिनेट में जाके वो कानून बन के फिर पार्लियामेंट में जाता है. इस प्रोसेस को ही ले ले हम, सूचना के अधिकार के कानून को सबसे पहले किसने सोचा? एक मोहन भाई ने सोचा कि भाई सूचना बाहर होना चाहिए, रिकॉर्ड बाहर निकलना चाहिए. उसका प्रारूप मजदूर किसान शक्ति संगठन ने सोचा कि इसको किस तरीके से बनाए. तो उसमें चर्चा हुई किन से, एक ऑफिस में एक फाइल लेके कलम लेके नहीं बैठे, लोगों के बीच में गए, देखा किस परिस्थिति में रहते हैं, कहाँ कहाँ सूचना मिले तो वो मुक्त हो सकते हैं पीड़ा से, यदि खाद्य सुरक्षा हो या दवाई ले या ये ले वो ले. और अलग अलग अन्य जो इकाई थी उनके पास गए, उनसे पूछा कि सूचना चाहिए तो कौन सा सूचना आप देंगे लेंगे. तो आप सोचते हैं कि आप मुक्त होंगे, डॉक्टर्स के पास गए, महिलाओं के पास गए, दलितों के पास गए, वकीलों के पास गए, हर एक ढांचे के पास जाके हम लोगों ने पूछा आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, और उन चीजों को कहीं ना कहीं तथ्यों के रूप में कानून में डाला है.
तो इसलिए ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया में शक्ति कहाँ छिपी हुई है इसका पहचान करना, और कौन है जो एक अच्छा कानून बना सकता है जो लोगों के हित में हो वो भी समझे। तो ये सब चीजों के लिए सरकार में कोई ढांचा आज है नहीं। सरकार चाहती है कि 3 दिन में कानून पारित कर दें। अब देखिए पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है उनकी चर्चा भी नहीं हो रही है, जबकि उस ढांचे में, पार्लियामेंट के ढांचे में बाबा साहब है, बाकी सारी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, बहुत सारे नेतागण थे, नेहरू थे, बहुत सारे लोग आके गए हैं, उन्होंने सबने सोचा कि जो भी कानून पार्लियामेंट में रखा जाता है उस कानून के ऊपर चर्चा जरूर होनी चाहिए, और उस चर्चा में ना केवल पार्लियामेंट के अंदर भीतर जो एमपी हैं उनके साथ होनी चाहिए मगर जनता के साथ भी होनी चाहिए। इसलिए सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी का आयोजन किया कि कोई भी कानून जाएगा उसके ऊपर कोई सोच रखने के लिए, वो बयान के लिए, टेस्टिमनीज के लिए लोगों को बुलाएं, पब्लिकली नोटिस डालें, अखबारों में डालें, तब लोग जाएंगे और उसको कानून को बदलेंगे। कानून को बदलने के बाद वो कानून वापस लोकसभा में पेश होगा और पारित होगा। यही हम लोगों ने सोचा, कहीं ना कहीं उस सोच में भी ये था कि लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। आप सूचना के अधिकार का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जो पहले 2000 में जो पास हुआ था राइट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, वो तो बिल्कुल ही बेकार था। उसमें हमारी राय नहीं ली गई थी, जस्टिस सावंत का ढांचा नहीं लिया गया था, वो दबाव में आके, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में जल्दी जल्दी में कोई कानून पास कर दिए। जब ये सूचना के अधिकार का कानून को बनाने में और बनाने के लिए हमें अधिकार दिया गया था, ये साझा न्यूनतम कार्यक्रम नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमें दिया गया था और हम लोगों ने प्रारूप बनाया, उस प्रारूप को फिर भी एनसीपीआरआई नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन ने बनाया, एक एमकेएसएस ने भी बनाया, नहीं बनाया, बहुत सारा एक बड़ा ग्रुप ने बनाया, बना के उसमें निखिल डे भी थे, प्रशांत भूषण भी थे, शेखर सिंह भी थे और अन्य लोग थे, माया दारूवाला थी, बहुत सारे लोगों ने मिलके उसको बनाया और हम लोग भी उसमें शामिल हुए। और वो प्रारूप जब दिए तो जब सरकार में गया, सरकार के कर्मचारियों ने उसको तोड़ मरोड़ के बहुत कमजोर कर दिया, और जो पार्लियामेंट में जो कानून गया वो बहुत कमजोर कानून गया। हम यदि बयान देने के लिए पार्लियामेंट में नहीं जाते, और एक फिल्म है वो फिल्म लेके गए, फिल्म भी दिखाए कि किस लिए चाहते हैं हम ये कानून, किस लिए चाहते हैं, वो भी लेके गए, 10 मिनट का फिल्म था, वो भी लेके गए और वो दिखाया, इतने बयाने हुई, फिर 154 अमेंडमेंट्स होते, 154 अमेंडमेंट्स टू द राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ, आप जो आज सूचना के अधिकार के कानून के रूप में देख रहे हैं, उसके प्रोसेस में पार्लियामेंट्री प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण था। मगर आज आप देखिए कोई भी जना मुंह नहीं खोल रहे हैं ये कहने के लिए कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को शॉर्ट शॉर्ट उनको काटना नहीं चाहिए, शॉर्टकट्स नहीं हो सकते हैं, उसके लिए पूरा होना चाहिए। जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं होगा, वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, तब तक हमारे बयान नहीं होंगे, तब तक वो कानून सशक्त नहीं बनेगा, वो तो सत्ताधारियों के पक्ष में जाएगा, जनता के पक्ष में नहीं जाएगा। तो जनता के पक्ष आपको कहीं ना कहीं लेना है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे प्रक्रिया में, सूचना के अधिकार के कानून बनने की प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक मुद्दे और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहुत महत्वता दिया गया। यदि हम लोकतांत्रिक महत्वता नहीं देते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं, तो फिर लोकतंत्र का ढांचा कमजोर हो गया तो आपको और मुझे कौन पूछने वाला है, कौन पूछने वाला है? लोकतंत्र हमें सशक्त जी बनाता है। तो इस जी तरीके से जब हम सोचने लग जाते हैं तो समझ में आता है कि अरुणा रॉय नहीं थी, मैं कुछ भी और थी, फिर अरुणा रॉय बनी, तो मैं जो थी वो ढांचे के अंदर मुझे हुकुम मानना पड़ता, मेरे ऊपर कोई कहता, मेरे साथ में कोई कहता, कोई फाइनेंस से कोई कहता, कोई लॉ डिपार्टमेंट से कोई कहता, और उनके बाद फाइनल हो जाता। अब बाहर रह के मुझे वो आजादी है, आजादी है कि मैं कानून पे एक जस्टिस सावंत की बात सुनूं या किसी और की बात सुनूं, एक प्रशांत भूषण की बात सुनूं या किसी और वकील की बात सुनूं, मुझे अधिकार है कि उस मजदूर मोहन जी की बात सुनूं, निखिल डे और शंकर सिंह की बात सुनूं, या मैं कोई आईएएस ऑफिसर की बात सुनूं। आजाद होना, वो आजादी बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि वो आजादी नहीं है तो सबसे अच्छी बात उठ नहीं पाती है। इसलिए मैं तो सोचती हूँ आईएएस तो है क्या चीज, एक सुविधा है, एक अच्छी बात है, अच्छे आईएएस ऑफिसर्स भी होने चाहिए, और एसआर शंकरन जैसे बहुत अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर्स हमें मदद किए हैं,
एनसी सक्सेना ने मदद किया, हर्ष भी उस समय, हर्षवंदर भी आईएएस ने, उन्होंने मदद किया है, कई सारे लोगों ने आईएएस में रह के हमें मदद ही किया, और उस ढांचे में वो मदद करने के लिए भी हमें भूमिका बनानी पड़ी। हम जब बाहर भूमिका बनाए तो सारे लोग जुड़े, तो वो भूमिका तैयार करने के लिए आजादी चाहिए और ऐसा एक मैदान चाहिए जिसमें आप खुले आम से काम कर सकते हैं। इसलिए मेरे लिए तो काफी सीखी हूं मैं आईएएस के अंदर, ऐसी बात नहीं है, वो मेरे 7 साल के जीवन में मैंने कई चीजें सीखी है, सत्ता में क्या कमजोरियां है, कहाँ नहीं होता है, किसके वजह से होता है, और मैं हटी किसी को दुश्मनी के रूप में नहीं उठी, मैं ढांचे में मेरा आजादी कम, मेरा सोच के लिए जगह नहीं, लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए जगह कहीं नहीं था, अफसरान बन के जाने की जगह थी, इसलिए मैं छोड़ी। और पावर भी, मैं बहुत पावरफुल एक ऐसे इंसान को मानती हूँ जिसका कोई बॉस नहीं होता, जिसके सामने सर नहीं कहना पड़ता, या मैडम मैम जो भी कहते हैं वो नहीं कहना पड़ेगा। ये आजादी है कि जो गलती कहे उसको हम कह सके कि भाई साहब आप गलती कर रहे हैं, बहन जी आप गलती कर रहे हैं, हम ये कह पाए एक नेता को कि साहब आप ये करेंगे तो ये नतीजा होगा, ये नहीं डरे सर सर सर। उस ढांचे में क्या हो सकता है जब आप इतने क्रमबद्धता लेके आ गए, इतना भयभीत बन गए हैं, संविधान को ही भूल चुके हैं, तो कहाँ जाएंगे हम लोग आगे? तो जनता को सशक्त होना पड़ेगा, और जनता का हिस्सा बन के मैं सशक्त होंगी तो मेरी भूमिका मजबूत होगी। मैं सबसे ज्यादा गांव गांव में, शहर में अपने साथियों को, अपने भाई बहनों को, सबको दे पाऊंगी, मेरे बच्चों को दे पाऊंगी, मेरे बड़ों को दे पाऊंगी, ये मेरा समझ पड़ा। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बताया। मैं जब भी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं, क्योंकि मैंने पढ़ा था लोग आपको गांव में नानी बुलाते हैं। फिर मैंने सोचा नानी कहना इसलिए भी सही होगा क्योंकि आपकी एज भी मेरी नानी की है, और तीसरा आपने सारे करप्ट लोगों को उनकी नानी याद दिला दी है, तो आपका आइडियल नाम लेना नानी ही रहेगा अगर आप अनुमति दें तो। पर मैम, मैं ये कह रहा था कि जब अमेंडमेंट्स हो रही थी उसके बाद भी यू गॉट आपने मैनेज करा पास करने का, परंतु आज क्या हुआ? आपके एफर्ट्स के बावजूद आज जो आरटीआई डिसॉल्यूशन हुआ, एक्ट को डिसॉल्व करा गया या डाइल्यूट करा गया, तो उस पे आपकी क्या टिप्पणी है मैम? क्योंकि इससे काफी लोगों को जो एम्पावरमेंट थी वो कम हुई, और एक जो भरोसा था वो भी कम हुआ। और दूसरा प्रश्न रहेगा कि मिसयूज जो आरटीआई का दोनों तरफ से हो रहा है, पक्ष से भी जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज इसको यूज कर रही हैं, और दूसरा जो लोग इसको यूज कर रहे हैं एज जिन्हें कहा जाता है जो आरटीआई एक्टिविस्ट अपना निजी रंज निभाने के लिए, टू सेटल स्कोर्स, इसका आरटीआई एक्ट को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैम, डाइल्यूशन ऑफ द आरटीआई एंड सेकेंड इज मिसयूज। ऐसा है कि पता नहीं किस कमजोरी में ये सरकार ने कानून बना दिया, जो भी सरकार ने बनाया, एक प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनते ही कहते हैं कि हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ पैरालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस लाता है। हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कहते हैं, पूर्व राज्यसभाओं में, लोकसभा में एक एक एमपी कहता है कि किस भूल में हमने ये कानून बना दी है, क्योंकि शक्ति का विभाजन का कानून एक सशक्त व्यक्ति बनाएगा, इसका कल्पना ही बहुत मुश्किल है। एक इसमें बहुत बड़े दार्शनिक शास्त्र भी हैं जिसमें ये कहा गया कि पावर नेवर लुक्स एट डिक्रीजिंग इट्स ओन पावर, पावर ऑलवेज लुक्स एट इंक्रीजिंग इट्स ओन पावर। तो पावर से आपने पावर का विभाजन मांगा, ये एक वकील हमारे 1996 में जब हम धरना में बैठे थे ब्यावर में आया, और उसने कहा कि देखिए आपका मांग बिल्कुल वाजिब है मगर आप कभी नहीं पा सकते, मगर ये लड़ाई जो है बहुत न्याय की लड़ाई है, आपको लड़ना है, लड़ते रहना चाहिए। तो हमने पूछा क्यों भाई ऐसे क्यों कहते हो, तो उसने कहा कि एक सड़ी गली व्यवस्था में उसकी कलेजी मांग रहे हो आप, वो उठा के आपकी कलेजी, अपनी कलेजी को बाहर रखेगी क्या? उनके शब्द है, मेरे नहीं। तो हमने पता नहीं क्या हुआ कि उसकी कलेजी बाहर आई। इसमें जैसे मैं कह रही थी, नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट था जिसने हमें ये दिया, और यूपीए सरकार ने इसको देख के हमें ये सशक्त करने के लिए वो कानून दे भी दिया, कानून दे दिया, सर्वसहमति से पास भी हो गया। तब तक उनको समझ में नहीं आया कि इसके क्या असर होने वाला है। 2006 2005 में पास हुआ है ये, मई में 2006 में इसके संशोधन के लिए वही सरकार वापस चली, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा,
उसमें हम जंतर मंतर में बैठे। उन दिनों में थोड़ी ज्यादा आजादी थी संघर्ष करने की, तो हम लोग वहां बैठे। पूरे जो विपक्ष के जो नेता थे सारे आए, कुछ यूपीए सरकार में मौजूदा थे वो भी आए, और ये बहुत बड़े नेताओं ने मिलकर इसका जो संशोधन था उसको रोका। फिर से आया एक संशोधन करने के लिए, फिर हम लोगों ने हजारों के लाखों के, एक्चुअली हम लोगों ने करोड़ों सिग्नेचर्स लिए थे, और इतना मतलब 3-3 फुट दो बंडल बनाए जिसमें हस्ताक्षर ही थे केवल, और वो लेके गए और प्रधानमंत्री के ऑफिस में छोड़ के आए कि आप इसको पास कहीं कर दिया ना अपने अमेंडमेंट्स को, तो इतने लोग आपके पीछे वोट नहीं देंगे। वो भी किया। अब इस सरकार ने देखा कि लॉ को हाथ लगाएंगे, अमेंडमेंट करेंगे, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, इसलिए रूल्स को अमेंड कर दो। रूल्स एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो जाता है, इसमें फिर पार्लियामेंट में पेश होता है, मगर पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को बदला। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसके इलेक्शन कमीशन के साथ ऑन पार है, स्टैट्यूटरी कमीशन है, ऑन पार है, इंडिपेंडेंस है पूरी मशीनरी की, थी मतलब अभी तो नहीं। तो उन्होंने उसके पहले इसकी इंडिपेंडेंस को खत्म किया। उन्होंने ये कहा कि टेन्योर सिस्टम नहीं होगा, पहले तो टेन्योर था, आप इंफॉर्मेशन कमीशन बने तो 5 साल तक आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता था, यदि आप 65 साल के हो गए उस दौरान तो आपको रिटायर होना था, नहीं तो कोई आपके हाथ नहीं लगा सकता था, और आपके नियंत्रण और आपकी चलने की जो पद्धतियां थी वो कमीशन ही तय करता था, मिनिस्ट्री का कोई इसमें हक नहीं था। अब इन्होंने ये कह दिया कि मिनिस्ट्री ही अपॉइंट करेगा आपको, और आपका टेन्योर पोस्ट नहीं होगा, और आपके जो टर्म जो आपका प्रिस्क्राइब होगा वो सरकार करेगी, और सरकार बताएगी आपका टर्म क्या है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सैलरी भी वही डिसाइड करेगी, अलाउंसेस भी वही डिसाइड करेगी। तो एक तो सरकारी ढांचा बना दिया, एक तो सरकार में एक मिनिस्ट्री जैसे बना दिया, मिनिस्ट्री से भी कमजोर बना दिया। करते ही आपने उनके साथ उनकी आजादी को बहुत भयंकर तरीके से आपने कम किया, क्योंकि बोलने का अधिकार जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की जितनी होगी वो एक दबी हुई एक सरकारी ढांचे में तो कभी नहीं हो सकता है। हम आवाज नहीं, उठाए, इस बार कई लोग उठाए हमारे साथ, मगर इतने दम से नहीं उठाए जितने दम से उठाना चाहिए था। यदि हम 40 या 60 या जितने भी लाख लोग इस सूचना के अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, शायद उनको समझ में नहीं आया, या मीडिया हमारे साथ नहीं दे रही है आजकल, तो मीडिया ने उसको बड़ा चढ़ा के बोला नहीं, हमें जगह नहीं मिलती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात करने के लिए, वो हो सकता है कारण। हम लोग सड़क पे नहीं, आने से भी बहुत मुसीबतें हो गई हैं, अब सड़क पे हम जा ही नहीं सकते। तो इन सारी चीजों के बीच में मिलजुल के हमने तो जितने आवाज करना था हमने तो आवाज बहुत जबरदस्त उठाया, मगर आगे जाके वो बात थोड़ा सा वहां पे कम हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम एक तो ये किए। So you have started this entire movement. You have went to a village and you inspired the people. How do you inspire people actually? I mean, for a young lady of your at the age that you started, I mean, how did you, I mean, inspiring people and managing people, there are two leadership lessons that I want to learn, right? Because the youth has been asking, how have you been the undeclared leader of so many people and you have started this broad revolution and you're changing millions of lives, right? So how do you inspire and manage people? आई थिंक इंस्पिरेशन इज ओवर रेटेड, मैं तो बिल्कुल आपको कहती हूँ देयर इज नो सच थिंग इज इंस्पिरेशन। एक बहुत बड़े एक सैमुअल जॉनसन करके एक शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले डिक्शनरी कंपाइल किया था। उन्होंने इंस्पिरेशन का डेफिनेशन यही था कि 1% होता है इंस्पिरेशन, 99% परस्पिरेशन होता है, मतलब मेहनत होती है। तो एक तो जी सबसे पहले ये है कि सुनना बहुत जरूरी है, जी सुनना कि लोग क्या कहते हैं, कहीं अच्छी बात आती है तो उसको ग्रहण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी बात को आगे आप किस तरीके से लोगों के बीच में रखते हैं, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। किस इडियम में आप बात करते हैं, क्या आप लिटरेरी इडियम में बात करेंगे या इंटेलेक्चुअल इडियम में बात करेंगे, कि आप लोगों के तरीके से बात करेंगे, क्या आप किस भाषा में बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और लोगों के साथ जिस जिस इडियम में उनकी सहजता है उस इडियम में बात करना पड़ेगा, और उनकी बातें सुननी भी पड़ेंगी, उनके बीच में बैठना पड़ेगा। ये नहीं आप दूरी दूर बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते। इंस्पिरेशन दोनों तरफ होता है, मैं भी इंस्पायर होती हूँ तो वो भी इंस्पायर होते हैं, एक तरफा इंस्पिरेशन होकर कोई आता नहीं,
मैं कोई संत मैं संत नहीं हूं कि मैं किसी के बीच में बैठ के मैं उनके लिए कोई बहुत अच्छा एक संदेश देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए गई हूँ, ऐसा तो कभी है नहीं। सुनना और उसको ग्रहण करके उसको किसी मेरे वाले कोई ढांचे में डाल के उसको वापस उनके पास रखना, वो उसको सुने और वो उसके मनन करें, उसके ऊपर मंथन करके मुझे बताएं उस पे क्या होता है। एक चर्चा है, ये चर्चा के लिए जगह बहुत बहुत आवश्यक है। ये चर्चा के लिए जिस दिन जगह सूख जाएगा उस दिन हमारा देश सूख जाएगा, और वो सूख रहा है। सबसे बड़ी चिंता मुझे यही है आज कि वो नाम चर्चा की चाहे जगह, भी चर्चा हो तो रही है। हाँ जी वो चर्चा की बात नहीं है साहब, ये तो सड़कों पे, नुक्कड़ों पे, गांवों में, चौपाल में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, दफ्तरों में मतभेद प्रतिष्ठित करना, बहस करना, ये हमारे देश की खासियत होती थी। इसीलिए अमर्त्य सेन ने किताब भी लिखा है, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। जी हमारे सारे तर्क कुतर्क से ही हमारे समझ बढ़ती थी इस देश में, और उसके लिए बहुत जगह था। शंकराचार्य से पहले से, बुद्ध से उनसे पहले से ये बात हमारी नचिकेत के टाइम जो कहानी कही कही जाती है नचिकेत की, उस समय से गौतम बुद्ध की बात हो या महावीर की बात हो, फिर शंकराचार्य की बात हो, फिर कई और लोगों की बात हो, तर्क कुतर्क से ही हमारी सोच बना। और इसमें जितने भी संप्रदाय यहाँ हमारे बीच में आए, वो इस्लाम हो या सिखिज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, सब इसको सशक्त किए। अब हमें समझना पड़ेगा कि अब जब उसको हम एक राजनीतिक ढांचे में लेके आते हैं और लोगों को गैग करते हैं कि आप ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे तो आप जेल चले जाओगे, वो बोलेंगे, तब तो एक आपने फ्रीडम को ही, फ्रीडम तो आप कब करते रहे, उसके साथ माइंड के ऊपर आप एक लगाम लगा लेते हैं, और माइंड को जो फ्रीडम के साथ काम करता है, तो इतने सारे अच्छे सोच आते हैं, इतने कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं उस अबंडेंस को, उस क्रिएटिविटी को, उस इंस्पिरेशनल, आपके शब्दों में इंस्पिरेशनल सोच के ऊपर एक तरीके से आप ढक्कन लगा देते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इंस्पिरेशन इज कनेक्टेड, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, एंड उसके लिए जगह चाहिए। देयर मस्ट बी डेमोक्रेटिक स्पेस फॉर डिस्कशन वेयर यू कैन एक्सप्रेस मेनी पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड यू नीड नॉट नेसेसरली बी इन एग्रीमेंट, बट यू शुड हैव द स्पेस टू एक्सप्रेस। मैम, आई अंडरस्टैंड दैट हाउ यू स्टार्टेड एंड आपने इतनी बड़ी रेवोल्यूशन खड़ी कर दी। परंतु मैम, एक बार क्या हुआ कि बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर, मैंने एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, तो उस दिन मुझे पता चला कि प्रोटेस्ट करना कितना मुश्किल है। जितना ये मूवीज में हीरोइक लगता है, उससे कई गुना टफ। सिटिंग इन अ प्रोटेस्ट इज सो डिफिकल्ट। लोग सोचते हैं कि जाके बैठना कितना आसान रहता होगा, परंतु आधा घंटा बैठने के बाद वो बैठना भी इतना मुश्किल हो जाता है। लोग कितने कितने समय और अनशन पर बैठे रहते हैं। तो मैम, आप ये जो इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट लीड करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सरकारों को मजबूर कर देते हैं, मैम ये जो आर्ट है, आर्ट ऑफ प्रोटेस्टिंग, आर्ट ऑफ वॉर भी सुनी हमने, आर्ट ऑफ सिडक्शन भी सुनी, परंतु केवल अगर भारत ही एक पुस्तक दे सकता है आर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, तो मैम आपका ये जो आर्ट ऑफ प्रोटेस्टिंग है, बिना पैसों के आप आ गए, आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया, आपके पास मैं नहीं समझता कि इतने पैसे होंगे कि आप इतना लंबा सस्टेन कर देंगे प्रोटेस्ट को। तो ये फंड रेजिंग और जो मूल मूल चीजें हैं एक प्रोटेस्ट की या आंदोलन की, या और आप कहते हैं कि अब हमारा राइट टू प्रोटेस्ट भी जा रहा है, तो ये आर्ट ऑफ प्रोटेस्टिंग क्या है मैडम, और कैसे करते हैं आप? मैं कहानी की तरह ही बता देती हूँ, ज्यादा सरल होगा आपको समझने के लिए, कि हम मजदूर किसान शक्ति संगठन में हम अनुदान किसी संस्थागत अनुदान नहीं लेते। हम लोग अच्छा न्यूनतम मजदूरी पे जीते हैं, हमारे सबके तनख्वाह या ऑनरेरियम समझ लीजिए न्यूनतम मजदूरी है, और हम लोग उस कुटिया में रहते हुए बहुत कम और सादगी के साथ जीते भी हैं, और हमारे नियंत्रण में है हमारे खर्चे। तो हमारे जब आंदोलन होते हैं तो आंदोलन में जनता हमें मदद करती है, वो दान से भी मदद करती है, समय से मदद करती है। तो जब ब्यावर में 96 में हम लोग बैठे, 40 दिन बैठे ब्यावर के, बिल्कुल बाजार के बीच में बैठे चांग गेट में, तो चांग गेट में जब हम बैठे तो पूरा शहर हमारे साथ जुड़ा। हम 86,000 रुपए डोनेशन भी कलेक्ट किए, कोई 5, कोई 10, कोई 15, कोई 20। हम दो
2 टन मतलब अनाज खा गए, क्योंकि हम इतने लोग वहां खाते थे। तो जो भी आता था गांव से वो 4 दिन समय देते, और कुछ जो भी अनाज वो खाते हैं वो 5 किलो अनाज ले आते, उनको शामिल किया, उसको पिसवाया, उसकी रोटियां बनी। और हमें बैठे बैठे इतना रोमांच था उसमें। आप ये कह रहे हैं ना कैसे करते हैं, इसलिए उसका भी जवाब है इसमें। तो वहां बैठे रहते थे, तो उसमें इस तरफ सब्जी वाले, उस तरफ दुकानदार, उस पीछे ये कई मोटरसाइकिल है ये वो। तो वो सब्जी वालों ने सोचा अरे इनको हम भी कुछ दान देते हैं, तो सब्जियां दिए। तो सब्जियां दे तो मंडी वालों ने कहा हम दे देते हैं सब्जी, तो मंडी से सब्जी आई। तो ऐसे सब्जियां खाए जो हमारी जिंदगी में घरों में हमने कभी नहीं खाया होगा, उस घर जो गरीब माहौल में थे उसमें। तो सब्जियां आ गई। पानी के लिए एक दुकानदार ने कह दिया भाई जितने टाइम ये आंदोलन यहाँ रहता है हम पानी पिलाएंगे, पानी आ गया फ्री। पत्रकार लोग आते थे रोज, रोज रिपोर्ट करते थे। एक निरंतर करके एक अखबार है ब्यावर में, उन्होंने कहा हम रोज संपादिका आपके ऊपर लिखेंगे। उस 40 दिन की संपादिका से एक इतिहास आपको पता लग जाएगा। सारे यूनियंस जुड़ गए, सारे सब लोग जुड़ गए, पूरा पूरा शहर जुड़ा। आस्ते आस्ते सारे धर्मशाला ही खुल गई। उन्होंने कहा आपके लिए टॉयलेट बाथरूम के लिए खोल देंगे। एक शख्स आए जो हमें पहचानते ही नहीं थे, उन्होंने कहा रात को कहाँ सोते हो, हमने कहा हम यही सोते हैं और वही सोते थे तो सड़क पे। तो उन्होंने कहा आप महिला ही भी यही सोते हैं, हमने कहा हम भी यही सोते हैं। तो उन्होंने कहा चाबी पकड़ाया हमें, उन्होंने कहा रुको 10 मिनट में चाबी लेके आए, पकड़ाया। उन्होंने कहा मेरा घर है यहाँ खाली है, आपका कोई मेहमान वगैरह आए तो आपको जरूरत हो तो आप यहाँ उनको सुला दीजिएगा। उसी कमरे में मेधा पाटकर सोई, उसी कमरे में स्वामी अग्निवेश सोए, उसी कमरे में प्रभाष जोशी सोए, उसी कमरे में जो लोग थे उनको कुछ आराम करना था तो वही ले जाते थे, वापस जाते थे, हमसे हमारे नजदीक पड़ता था। हाँ मरगत होने पर वहां नले लगी हुई थी, वहां हम स्नान करते थे, नहाते थे। तो एक तरीके से एक कैंपिंग स्टाइल है। अब कैंपिंग स्टाइल आपको ठीक है तो ठीक है, और जब कोई जना इस तरीके के आपको कुछ देता है तो वो 1 लाख रुपए बराबर होता है। मैं एक कहानी बताऊंगी कि एक लड़का था, रोज हमें 10 रुपए 2 रुपए दे के जाता था। वो लड़का मजदूरी करता था और पढ़ता था, मजदूर बच्चा था, रोज 2 रुपए दिया। अभी हम लोग चांग गेट में आरटीआई की एक मेमोरियल बन गई है बाय द वे, ब्यावर की म्युनिसिपैलिटी में, वहां पे एक उसमें बीजेपी कांग्रेस सब शामिल है, जितने लोग वहां पे काउंसिलर्स हैं सबने मिलके एक बनाया है, एक वहां पे एक मेमोरियल। उस मेमोरियल के जब हम उद्घाटन के लिए वहां गए ब्यावर, तो ये बच्चा अभी बहुत लंबा चौड़ा एक मर्द हो गया है, तो आया और हमें पूछा पहचानते हो, हमने कहा बेटा नहीं पहचानते, तो कहा मैं वो ही हूँ जो आपको रोज 2 रुपए देता था। तो मतलब ये जो आप लोगों के बीच उनके मुद्दे को लेके जाते हैं और बैठते हैं उनसे चर्चा करते हैं, तो वहां संगीत भी हुआ, गाने भी बने, नाटक भी हुआ, कई सारे नारे बनाए हम लोगों ने वहां पे। अंबेडकर जयंती आई तो हमने वो दलित के मुद्दे भी चर्चा किए, कुछ और मुद्दा आया तो उस दिन ट्रेड यूनियंस के साथ मजदूरों के मुद्दे आए। एक डॉक्टर दोस्त थे वो हमें गैस सप्लाई करते थे, डॉक्टर्स भी आए, उन्होंने भी हमें फ्री इलाज के लिए बोला कि हाँ कोई बीमार होता है तो हमारे पास आ जाइएगा। तो वो जो हमारे हर एक के दिल दिमाग में, मेरी माँ कहती थी कि एक एक कहावत है राजस्थान में, आप किसी के लिए कुछ करें ना तो वो हमें कहते हैं बहुत शुक्रिया। मैंने कहा आप मुझे क्यों शुक्रिया दे रहे हो, आपने मेरी सेवा की है। नहीं, उन्होंने मौका दिया इसके लिए शुक्रिया, आपने सेवा के लिए मौका दिया इसके लिए शुक्रिया। तो मेरी माँ कहती थी, एक संस्कृत का भी शब्द है कृतज्ञता, उसका अर्थ यह है कि अच्छे बनने के लिए एक मौका भी चाहिए। तो ये धरने वरने जो ईमानदारी से हम अच्छे से करते हैं तो मौका देता है, और उस मौके में लोग आते हैं और अच्छा करते हैं तो हमें सशक्त तौर कर देते हैं, हमें और 4 दिन का और ऊर्जा दे के जाते हैं। हम 2 दिन बैठने वाले थे तो 20 दिन बैठ जाते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा आता है, चर्चा होता है, लोगों के प्यार मोहब्बत मिलता है, उनका साथ मिलता है, गाने बजाते हैं। और मेरे दोस्त शंकर एक एक दिन एक एक गाना, और इतने फेमस हो गए हैं गाना, पूरे राजस्थान में सब लोग गाना जानते हैं और गाना गाते हैं साथ में, ये बड़े अच्छे सारी चीजें हुई। तो ये ऊर्जा देते, तो आप कितने भी दिन बैठ जाओ, और वो एक तरीके से रोते रोते धरना नहीं होते, तो गाते मस्ती की धरनाएं होती हैं, क्योंकि हम अपने नैतिक हकों के लिए लड़। मैम, ये जो धन है आपने कमाया है, जो ये छोटा सा बच्चा अपनी डेली की मजदूरी या शिक्षा से 2-2 रुपए आपको दे के जा रहा था, मेरे को नहीं लगता ये धन
किसी उद्योगपति के पूरे उद्योग से कम होगा, परंतु क्योंकि ये कहानियां आज के टाइम पे कहाँ मिलती हैं, और ये जो छोटी छोटी चीजें कोई पुराने समय से याद करता है और फिर आके अपने आप को डिवोट या डेडिकेट करता है, और आपने जो कहा एक चेंज ऑफ थॉट जो आपने बताया कि मौका दिया लोग ये सोच के, जैसे जन आंदोलन जब गांधी जी का हुआ था, जब गांधी जी कह रहे थे कि अगर कोई झाड़ू भी लगा रहा है तो ये सोचे कि मैं जन आंदोलन का हिस्सा हूँ, तभी एक पीपल्स मूवमेंट बन गई। तो बट मैम आप ये कह रहे हैं कि आपने बताया आर्ट ऑफ प्रोटेस्ट वगैरह के बारे में, परंतु मैम अब डाइल्यूशन के बाद जो आप कह रहे हैं कि आप लोग अपनी जो फंडिंग है किसी भी कंपनी से नहीं लेते हैं, किसी भी उद्योगपति वगैरह से या किसी संस्था से आप लोग फंडिंग नहीं लेते हैं, परंतु हाँ जो पॉलिटिकल फंडिंग है उसमें आरटीआई लागू नहीं है, या मतलब इसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तहत इनको हटा दिया गया है या कोई डिसॉल्व कर दिया गया है, तो इससे मेरे को बार बार सवाल आ रहे थे कि इससे पूछिए, इस मुद्दे के ऊपर पूछिए कि क्या अगर ये भी हो तो क्या जा सशक्तिकरण नहीं होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पॉलिटिकल स्पेंडिंग पर नियंत्रण नहीं होना इतना एंटी डेमोक्रेटिक है, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि जी मुझे अच्छे पॉलिटिशियंस ने कई बार कहा है कि हमारे खर्चे पे आप नियंत्रण करो, भ्रष्टाचार खत्म होगा। नो खुद डाउट, बोले हैं, है ना? जी नो डाउट, हमारी जनता जनार्दन नहीं रहे, वो खुद ही नींद निकाले डपट के। तो फिर क्या कर सकते हैं? जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आया, हम कुछ लोग बहुत बोले इसके बारे में, जनता तो सो रही थी। मुझे लगता है कि वास्तव में कई मुद्दे हैं जो अगले इलेक्शंस में हमें उठाना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टी से, कि या आप एमएलए बने या एमपी बनेंगे तो क्या आप अपने खर्चे को पारदर्श करेंगे कि नहीं। आपके बजट तो वैसे ही पारदर्श हो गया आरटीआई के तहत, मगर आपकी पार्टी फंडिंग भी पारदर्श होना चाहिए, आपके अकाउंट्स बाहर होने चाहिए। इसके ऊपर आपको याद होगा तो एक आरटीआई लगा था, आरटीआई लगा और उसके पार्टी फंड्स के लिए, पार्टी पॉलिसीज के लिए नहीं, पार्टी फंड्स के लिए लगा, तो सब पॉलिटिकल पार्टीज एक हो गए और कहने लगे हम नहीं देंगे। वो अपील में गया और अपील में ये तय हुआ था कि पार्टी फंड्स देने ही चाहिए, नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन ने रूलिंग दी है। उसके बाद वो ठंडे बस्ती में चली गई, ठंडे बस्ते में वही पड़ा है अभी, कोई ना पॉलिटिकल पार्टी का पीआईओ है ना, तो उनके पास जाके कोई सूचना का अधिकार का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो एक डिमांड ये होना चाहिए, बहुत साधारण डिमांड है। हम कहते हैं आपकी नीति निर्धारण आप करो, जो मर्जी आपके जैसे विचार है वैसे करते रहो, हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। अगर आप हमारे खर्चा हमसे ले रहे हो ना पैसा, उसका खर्चा का क्या हिसाब किताब है वो बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आपको कौन सी कंपनी पैसे देती है वो बताइए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गोपनीय करके हमारी सरकार कंपनियों की गुलाम बन गई है। पहले हम सोचते थे हम वोट देते हैं इसलिए हमारी कहना मानेगी, अब तो वो उन कंपनियों की बात मानती है। बहुत गंभीर बात है और बहुत शुक्रिया कि आपने प्रश्न उठाया। हम लोग ये पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंडिंग है उसको हम पारदर्श नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश में क्या गुलामी आ रही है, किस किस्म की गुलामी आ रही है या किस किस्म के भ्रष्टाचार आ रहा है, उसका हम कल्पना ही नहीं कर सकते। मैम कई पता नहीं कितनी और अरुणा रॉय जी चाहिए होंगी और ज्यादा इन कानूनों को लाने के लिए, क्योंकि एक अरुणा रॉय इतना कुछ कर सकती है तो पता नहीं कितनी और देश को अरुणा रॉय चाहिए होंगी, या उनको समर्थन करने वाले लोग चाहिए होंगे, क्योंकि जैसे कहते हैं कि प्रोटेस्ट करना हर आदमी के बस की बात नहीं, और लोग जो भारतीय लोग हैं मुझे लगता है कि आज के समय में प्रोटेस्ट से या एक आंदोलन से या आवाज उठाने से बचते बचाते रहते हैं, और जो बहुमूल्य में होते थे क्वेश्चन करने वाले लोग वो आज कम संख्या में हैं, बजाय पीपल हु आर चूजिंग नॉट टू स्पीक। ये मेरा मानना है कि आई बट मीन वी वन विल थिंग डॉक्टर मयंक, इट इज नॉट वन अरुणा रॉय, प्लीज रिमेम्बर दिस, अरुणा यस रॉय इज नॉट, अकेली नहीं है। और वो जी आजकल 5-6 साल हो गए वो धरने वरने में भी बहुत कम जा रही है, धरने कोई और चला रहे हैं, जो आंदोलन के सदस्य हैं, जो और भी नए नेता और नेता नेता नेतागिरी तो नहीं कह सकती, नेताओं के रोल अदा करते हैं और बदलते रहते हैं, उन लोगों की वजह से ये चल रहा है। और ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, एक जना कहीं कब्जा करके बैठ जाए तो जहां वो राजनीतिक नेता हो या वो एक आंदोलन को अगुवाई करने वाले शख्स हो, बराबर
हम पॉलिटिकल पार्टीज को जो कहते हैं वही मूवमेंट्स में भी लागू है। ये तो एक शेयर्ड लीडरशिप है, इसमें कई सारे लोग हैं, और अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया और सारे लोग एक जने को आगे अगुवाई करके लोगों को आगे नहीं देते। सुशीला इस चर्चा में मेरे साथ लगातार जुड़ी है, सुशीला नहीं होती तो अरुणा आधी हो जाती, सुशीला है तो अरुणा एक है, सुशीला नहीं होती तो मैं आधी हो जाती, और नॉर्थी नहीं होती तो पाव हो जाती। ये सब बातें मैम, जुड़ी हुई हैं, ये तो हम व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? मैं ये कह रहा हूँ कि अब आरटीआई हो चुका है, अब व्हाट नेक्स्ट क्या? और एक्चुअली आप कई बार बोलती रहती हैं जवाबदेही कानून के बारे में, क्या है ये जवाबदेही कानून भी? क्या हुआ है कि हम दो डिमांड रखे थे, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और पारदर्शिता। हमने ये देखा कि हमारे 100 आरटीआई यूजर्स का कत्लेआम हो गया है, क्योंकि वो जी सूचना से निकाल देते हैं, भ्रष्टाचार है वो भी बता देते हैं, मगर न्याय नहीं मिल रहा है उन लोगों को। तो क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दोष यह है कि जब वो उजागर होता है उसको क्रियान्वयन करने के लिए लोग उसको क्रियान्वयन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी ये है कि जब कोई चीज सामने आता है और प्रूफ है तो उसके ऊपर सरकारी ढांचे को काम करना ही पड़ेगा। यदि काम नहीं करे तो उसके ऊपर दंड है। वेरी सिंपल, मैं वो कानून का लैंग्वेज में नहीं बोल रही हूँ, मैं साधारण लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि अकाउंटेबिलिटी है कि मेरे सामने एक एक फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक आ गया एक बात कि फलाना गांव में एक परिवार में, गरीब परिवार में 30 दिन से या 40 दिन से राशन नहीं जा रहा है, तो मुझे उसको जल्दी से जल्दी नहीं निपटाऊंगी तो परिवार भूख से मर जाएगा, तो मैं नहीं निपटाती हूँ तो मेरे ऊपर दंड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए सरकार से तनख्वाह लेती हूँ। आजकल तो सरकारी आईएएस लोगों के तो 1.5 लाख रुपए तो पेंशन है, मेरे बैचमेट्स की 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं। तो ये क्या कमाते होंगे, इतना कमाने के बाद एक गरीब को जिसको आप 270 रुपए प्रतिदिन भी नहीं देते हो राजस्थान में, उसकी भुखमरी के लिए हम नहीं करते हैं, तो गांधी जी को क्यों याद कर रहे हैं, या अंबेडकर को क्यों याद कर रहे हैं, या किसी को भी क्यों याद कर रहे हैं? हमारी जवाबदेही कहाँ है? ये बहुत सिंपल है। तो इसलिए जो हम तनख्वाह लेके काम करते हैं, वो पुलिस में हो, सरकार में हो, कहीं भी हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हो, फाइनेंस में हो, इधर हो उधर हो, लॉ जज क्यों ना हो, इन तरीके से जजेस पे भी ये लागू होना चाहिए कि वो निपटाएं। मगर ये तो केवल गवर्नमेंट फ्रेमवर्क पे है, सरकारी कर्मचारियों पे है कि उनकी जवाबदेही होनी ही चाहिए एंड जी, विद अ आप ये पेमेंट। कह रही हैं, ये कानून ये है कि अगर कोई सेड वर्क होती है, सेड ट्रेजेडी होती है, तो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो वहां पे जिम्मेवार है, उसकी जवाबदेही होगी। ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल, एंड ही विल रिप्लाई कि ये काम यस क्यों नहीं हुआ। एंड इफ इट्स नॉट एंड इफ इट इज नॉट बीन डन एंड देयर इज नो एडिक्वेट रीजन, कारण नहीं है उसको नहीं करने की, तो देयर विल बी अ फाइन और अ पेनल्टी व्हिच विल बी लेविड ऑन दैट पर्सन। नाइस, दिस इज अनदर अनदर रेवोल्यूशनरी स्टेप दैट इज हैपनिंग। मैम, अभी की सवाल आ रहा है, क्योंकि यू आर द मेंबर ऑफ द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल फॉर्म ड्यूरिंग द यूपीए रेजिम, तो यस मैम अभी भी राजस्थान में आप लोग कई चीजों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, बट यू हैव पावरफुल फ्रेंड्स, तो प्रोटेस्ट क्यों करना? सीधा सीधा क्या आप लोग अपने पावरफुल फ्रेंड्स को नहीं कह देते ये कर दीजिए, क्योंकि आपकी यूपीए की ही रूलिंग गवर्नमेंट है, और कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि आरटीआई हैपेंड बिकॉज ऑफ योर प्रॉक्सिमिटी टू द यूपीए चेयरपर्सन मिसेस गांधी। तो आपके इतने पावरफुल फ्रेंड्स हैं मैम, वो आप सीधा अगर वहां चीफ मिनिस्टर को कह ही देंगे तो उन्हें मानना ही पड़ेगा मैम। नहीं जी नहीं, आप इस वहम में मत रहिएगा कि मिसेस गांधी के साथ मेरी कोई घनिष्ठता नहीं है, मेरे काम के वजह से, मेरे संगठन या मेरे अभियान के काम के वजह से मिसेस गांधी मुझसे बात की, अरुणा से उसको कोई खास रिश्ता नहीं है, उसको सूचना के अधिकार के साथ रिश्ता था, या उसको इस अभियान के साथ रिश्ता था जिसने सच्चाई मांगी, क्योंकि जो साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उन्होंने यही कहा कि आरटीआई एक सशक्त आरटीआई बनाएंगे, और उनके साथ हम 10 साल से बात करते आ रहे हैं, अभियान बात करता है। मैं सोनिया गांधी या किसी के साथ अकेली नहीं जाती हूँ, या हमारे मुख्यमंत्री के साथ पास सामने अकेली नहीं जाती हूँ, हम एक बड़े ग्रुप में जाते हैं और वो ग्रुप की बातें सुनते हैं। तो इसलिए कोई व्यक्तिगत रूप से इस तरीके से सांठ गांठ करना ही था, तो आंदोलन करने की जरूरत ही क्या है? फिर तो आप जाओ इससे बोलो, उससे बोलो, उससे बोलो, होएगा नहीं। मैं आपको गारंटी देती हूँ, या तो पैसा बोलता है या नैतिकता बोलता है,
या आपकी संख्या बोलती है। जब नैतिकता और संख्या जुड़ जाता है तब वो बोलता है, अरुणा नहीं बोल सकती। अरुणा कौन है? एक व्यक्ति है, एक सेकंड में उसको उठा के फेंक दे। मगर क्या उसको रोकने में क्या दिक्कत है? वो संख्या है कि बहुत सारे लोग इस संगठन के सदस्य हैं, एसआर अभियान के सदस्य हैं, या पूरे राजस्थान में लोग इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, ये रोकता है? आप गलत फहमी में ना रहिएगा। जिस दिन मैं अकेली होंगी कोई मेरे बात या मुझे मुझे भूल जाएंगे एकदम। इसलिए वो बिल्कुल काम नहीं देता है। और यूपीए सरकार नहीं है, ये हमारे यहाँ हमारे ये जो डिजिटलाइजेशन का काम हुआ था वो पहले वाले सरकार के टाइम शुरू हुआ, जब हमने कहा कि आपके सारे सूचना जो है आप एक जन सूचना पोर्टल पे डालिए, आप डिजिटलाइज कर रहे हैं तो सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई पहले डिजिटलाइज करिए। तो वो काम शुरू हुआ पिछले सरकार के टाइम, मगर इस सरकार उसको आगे ले गई। हमने कहा डिजिटलाइजेशन में सेक्शन 4 फर्स्ट, तो ये आपका तो जन सूचना पोर्टल पे जाइए राजस्थान के, और उसमें वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, फ्री एंट्री है। आप उसमें चले जाइए और कोई भी चीज, 150 डिपार्टमेंट की सूचनाएं सेक्शन 4 के 4 के तहत वहां पे डाला हुआ है, आप कुछ भी देख सकते हैं इन रियल टाइम। किस गांव में किसने राशन उठाया, उसको कितने अनाज गया, ये देख सकते हैं। किस कितने मरीज हैं, उन मरीजों को क्या हुआ, कौन से अस्पताल में भर्ती हुए, वो देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कितने माइंस के लाइसेंस कितने अलॉट हुए हैं, वो देख सकते हैं। आप हर एक चीज देख सकते हैं उसमें। और लड़ झगड़ के एक पूरा सूचना रोजगार अभियान में, जिसमें हमारे 150 संस्थाएं संगठन सदस्य हैं, उनके लोगों ने जाके सरकार के साथ बैठ के जो जो जना जिस जिस विषय पे सशक्त हैं और काम कर रहे हैं, उन्होंने वो डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर एक तो लगाम लगाया और बात किया कि ये इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा तो ये कानून हमारे लिए बिल्कुल नालायक होगा, इस इंफॉर्मेशन को डालना ही है। कितने तो मीटिंग्स किए हैं, कितने सैकड़े सैकड़ों लोग गए हैं और सैकड़ों लोग बैठे, तब वो डिजिटाइजेशन हुआ है। और उसके लिए जवान, मेरे से जवान जो अभी टीम लीडर्स हैं वो गए हैं, वो बैठे हैं लगातार दिन पे, कभी 12 बजे बुलाओ तो चले जाते हैं रात को, कभी 10 बजे बुलाओ तो रात को चले जाते हैं। काम इस तरीके से किया है, इसलिए जन सूचना पोर्टल आज हमारे सामने है। और कर्नाटका के दूसरे पार्टी के गवर्नर ने भी माइती अधिकार करके इसको वहां पे माइती कनेजा करके कर्नाटका सरकार ने इसी प्रोग्राम को वहां कर्नाटका में किए हैं। तो ये जो चीज है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, स्ट्रक्चरल चेंजेस एक व्यक्ति से कभी नहीं हो सकता है। इसमें सरकार के ढांचे से भी लोग आएंगे, आंदोलन से भी लोग आएंगे, सब मिलेंगे तो होगा। आज मैम शाम का बेस्ट पार्ट या बेस्ट लेसन मैं ये कहूँ वो ये रहेगा कि आपने जो बताया कि पैसे या तो पैसा बोलता है या नैतिकता या संख्या, और यदि दो चीजें मिल जाएं जिसमें नैतिकता और संख्या हो, मुझे लगता है ये एमबीए का भी एमबीए से भी कई गुना बड़ा एक लीडरशिप लेसन होगा यदि हमारे कोई दर्शक इसको सोचना चाहें या एक इनकॉर्पोरेट करें एक लाइफ लेसन की तरह आपकी प्रोटेस्ट की लाइफ से। मैम मेरा अगले सवाल है थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक, आउट ऑफ द आरटीआई थिंग, बिकॉज अ लॉट हैज बीन सेड। आप कई कई प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं, सो सम पीपल आस्क व्हाट इज द बेस्ट बुक दैट यू हैव रेड, व्हाट इज योर बेस्ट बुक? आई रीड अलॉट, मैं उस पीढ़ी की यस हूँ जब टीवी नहीं देखते थे और हम लोग, तो मैं बहुत पढ़ती हूँ। मगर मेरा एक कभी, जैसे मेरे एक नेता प्रिय नहीं है, मेरे कई सारे, मेरे पूर्वजों में से कई लोगों ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने सिखाया है, अंबेडकर ने सिखाया है मुझे, बहुत सारे उस समय काम करने वाले, मुझे तो भगत सिंह ने भी सिखाया है उसके लेखों से, बहुत सारे लोगों ने सिखाया, एक से अब नहीं सीखते हैं। और सीखने के लिए हमें बहुत सारे लोग चाहिए, जैसे किताबों भी मेरे लिए बहुत सारी किताबें चाहिए, मैं एक से कभी खुश नहीं होती हूँ। मूड के ऊपर डिपेंड करता है किस मूड में आप किस किताब को पढ़ते हैं। कविता भी पढ़ती हूँ, उपन्यास भी पढ़ती हूँ, मैं नॉन फिक्शनल ओके बुक्स भी सो पढ़ती हूँ, फ्यू कई चीजें बुक्स यू पढ़ती वुड हूँ। वांट टू बट लेट रिकमेंड? मी टेल यू दैट एज अ पर्सन हु इज अ पोलिटिकल एक्टिविस्ट, द संविधान इज माई धर्म का किताब, अच्छा संविधान इज माई धार्मिक किताब। उसको मान लीजिए कि मेरा जो राजनीतिक धर्म है उसके लिए मुझे संविधान बहुत 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 महत्वपूर्ण लगता है।
अब यदि लोकतंत्र के लिए एक धार्मिक किताब है तो वो अपने लिए संविधान है, धर्म ग्रंथ है मेरे लिए, और मैं जितना उसको पढ़ती हूँ मैं उतना अमेजमेंट होता है कि इतने अच्छी तरीके से इस बहुत ही पेचीदा देश को, इतने भाषाएं, इतने विचारें, इतने कुरीतियां हैं, इतने अच्छे सोच, इतने अलग अलग लोग। मैं वैसे तमिल भाषी हूँ, मैं हिंदी हिंदी बोल रही हूँ आप लोगों के साथ, मगर मेरी मातृभाषा तमिल है, मेरा ससुराल बंगाल है, और मैं राजस्थान में रहती हूँ, तो मैं इंडियन हूँ, तो कैसे इंडियन हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या पहनती हूँ, वो सारी चीजों को, इस बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंट्री को एक संविधान ने एक कॉन्स्टिट्यूशन में बांधा है, एंड इट इज द ड्रीम एंड विजन ऑफ अ ग्रेट इंडिया। बहुत उसमें दिक्कत है, बट एनीथिंग विल हैव प्रॉब्लम्स, बट आई फील इफ आई वांट टू रेकमेंड टू यू वन बुक दैट एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया यू मस्ट एब्सोल्युटली रीड, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आई विल टेल यू टुडे, जब उसकी प्रियाम्बल पढ़ते हैं तो मुझे आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो मेरे अभी भी लगता है मैं बिल्कुल एक सशक्त महिला बन के आपके सामने खड़ी हूँ। तो इस शक्ति को हम लोग समझें और उस संविधान को छेड़े नहीं, उसको बदले नहीं, और उसको कायम रखें, और हमारे उसमें जितने हमारे बराबरी की बातें, न्याय की बातें हैं, उसको हम सक्षम रहे रखें, तभी मैं दूसरी किताबों को पढ़ पाऊंगी, नहीं तो पता नहीं कौन सा किताब बैन हो जाएगा और कह देंगे ये किताब नहीं पढ़ सकती, वो किताब नहीं पढ़ सकती, ये सोच नहीं जी सकती, वो सोच नहीं सकती। तो मेरे सोच की आजादी मुझे संविधान देता है। मैम, मुझे लगता है कि बिकॉज कई लोग ये ऐसे मानते हैं और आप भी मानते हैं, तो स्कूल लेवल से ही कॉन्स्टिट्यूशन को 12th तक थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर देना चाहिए स्कूल लेवल पे ही। बिल्कुल, स्कूल में एक्चुअली मुझे भी नहीं पढ़ाया गया था, इट वे इट वाज, बट माय फादर वाज अ लॉयर, एंड मेरे पिताजी उस समय अम्बेडकर की इतने बातें नहीं सुनाते, बाबा साहब के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इतना नहीं सुनाते, और उसको इतने बड़े ग्रंथ के रूप में नहीं मानते, तो शायद हम कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे अरे बोरियत का किताब इस तरीके से सोच लेते, मगर ये समझ कि हमारे सशक्त होने का कारण वो संविधान है, मेरी आजादी का कारण वो संविधान है, मैं आज जो आपके सामने बोल पा रही हूँ वो हक मुझे संविधान देता है, मुझे बराबरी का हक नहीं देता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। तो बहुत सारी चीजें, तो फिर इट बिकम्स अ एक्सट्रीमली वाइटली इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड अ बुक। तो मुझे लगता है बेस्ट सिंस आई स्पोकन अबाउट राइट टू इंफॉर्मेशन आई शुड मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन। बेस्ट कोटेशन बेस्ट कोटेशन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर रुडयार्ड नॉलेज इज, किपलिंग। नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, वेयर ओके ओके द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, एक पूरा पंक्ति है गीतांजलि का, एंड उनको जी गीतांजलि के लिए ही नोबेल पुरस्कार मिला था। जी ये जी लाइन हम लोग नहीं जाने तो ड्रीम ऑफ इंडिया, ब्यूटिफुल लाइन्स, वो जी आई वुड से एवरी पर्सन हु इज लिसनिंग टू दिस शुड रीड दीज एक्सट्रीमली पावरफुल लाइन्स ऑफ रविंद्रनाथ ठाकुर। जी People can just see those lines on the screen that we are sharing while Aruna ji speaks, so that they don't have to search and just can just take a screenshot of this, right? Also, favorite author. सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, आई डोंट हैव वन फेवरेट ऑथर, मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ती हूँ, और मैं अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजी में ज्यादा पढ़ती हूँ, मगर बाकी भाषाओं के अनुवादित किताबें भी पढ़ती हूँ, तो मुझे एक फेवरेट ऑथर भी नहीं है। मैं सोचती हूँ मिश्रित किस्म की किताबें पढ़ने से एक संतुलित इंसान बनता है, तो मैं बहुत अलग अलग किस्म की कविताएं भी पढ़ती हूँ, उपन्यास भी पढ़ती हूँ, नॉन फिक्शनल बुक्स भी पढ़ती हूँ, सब कुछ पढ़ती हूँ, फेवरेट ऑथर फेवरेट बुक इज इम्पॉसिबल फॉर मी। यू रेड रेत समाधि? रेत समाधि, द बुक दैट वन बुकर प्राइज रिसेंटली द फ्रॉम बुक ऑफ इंडिया। आइज, नहीं अभी तक आई हैव नॉट बीन एबल, मैं दिल्ली गई नहीं हूँ तो मैं जी जी उसको खरीद नहीं पाई हूँ, मैं खरीदूंगी, खरीद के पढ़ूंगी, मैं उसको जरूर डोंट पढ़ूंगी, अंडरस्टैंड और भी गॉड द लीडर को भी पढ़ा है, सलमान रश्दी को भी पढ़ा है, मतलब बहुत सारे लोगों को पढ़ी हूँ, अमिताभ घोष को पढ़ी हूँ, अब जितने लोग लिखते हैं उनके भी पढ़ी हूँ, मैं संगीत के ऊपर टीएम कृष्णा ने जो
किताब लिखी है वो भी पढ़ी हूँ। बहुत सारे जी अलग अलग किस्म की किताबें पढ़ती हूँ और मैम, इन वाइल आई सबकी वाज गोइंग पहलू। थ्रू मैम वाइल आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड टू रीड इनटू योर माइंड एंड योर रीडिंग्स, आई रियली गॉट दिस आइडिया दैट यू आर वेरी वेल रेड. बिकॉज एनीवेज जब भी आप कुछ एक्सप्लेन करते थे, यू वुड मेंशन सम ऑफ द ऑथर समवेयर, राइट? सो यू मेंशन दैट यू नो देयर इज दिस, आई डोंट नो व्हिच बुक यू मेंशन और व्हिच स्टोरी यू मेंशन अबाउट समवन दैट ही वांट्स टू रिमेंबर हिज किंग नॉट बाय द क्लोथ्स ही वोर. Right, and then I searched that entire story and I read that story. It might be in my search history. The king didn't want it to be remembered by the clothes he wore. I can't remember exactly what I said in what context, but let me add Ma'am, one there's more some. one great writer whom I must mention is Vijay Dandeta। मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। बिज्जी कहते हैं उनको। उनकी छोटे छोटे कहानियां और भयंकर पावरफुल कहानियां जिनको मैं काम में इतना ली हूँ। कांदा और जूती एक कहानी है कि आपको क्या न्याय मिलता है। न्याय के नाम से कहा जाता है मगर सही न्याय नहीं मिलता। मतलब उनके तो कहानियां इतनी सुंदर हैं और वो मेरे दोस्त भी रहे हैं और वो मेरे से कुछ 20-21 साल बड़े थे मगर उनके साथ दोस्ती भी हुई। उनके साथ रहने का मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। तो बिज्जी के की कहानियां और ऐसे छोटे छोटे कहानियां जो हैं वो भी बहुत पावरफुल हैं। तो मुझे लगता है किसको कब मिले, किसको कब बात, किसके बारे में बात करें, वो एक चॉइस होता है। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वहां किसी ना किसी की याद आ जाती है और उसके बारे में बात करते हैं। Ma'am, leaders, the leaders that inspired you, your favorite leaders. वेल इफ आई गो थ्रू इंडियन हिस्ट्री मेरे लिए तो बहुत, बट जी थ्रू ma'am. टू मेनी लीडर्स यू नो आई जस्ट अगेन विद द सेम प्रॉब्लम। आई एम फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया सो फॉर मी लेट मी बिगिन फ्रॉम द साउथ क्योंकि उनके नाम ही कोई नहीं सुनता है नॉर्थ इंडिया में। ई रामस्वामी नायकर पेरियार। पेरियार, यस, पेरियार इज फेमस. पेरियार वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर साउथ इंडिया। सुब्रमण्य भारती वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर तमिलनाडु। मैं तमिलनाडु की हूँ सो आई वॉन्ट टू मेंशन टू जी नेम तमिलनाडु। राइटर्स सो मेनी राइटर्स फ्रॉम द साउथ एंड हियर इन द नॉर्थ बहुत सारे। इट बिगिन्स विद फॉर मी विद महात्मा गांधी बट ऑल्सो एनी बेसेंट वाज द प्रेसिडेंट यस यस ऑफ द कांग्रेस। अरुणा आसफ यस अली आफ्टर हुम आई एम नेम्ड। मेरा नाम अरुणा क्योंकि अरुणा आसफ अली को मेरे माँ अच्छा, बाप बहुत ये नहीं पता था, योर नेम इज आफ्टर अरुणा आसफ अली. दे रियली हैड ग्रेट एडमिरेशन फॉर अरुणा आसफ अली इसलिए ओके, मेरा नाम। एक्चुअली मैम, बिफोर दिस हॉस्पिटल आई वाज इन अरुणा आसफ अली हॉस्पिटल इन दिल्ली. आई वर्क्ड इन द हॉस्पिटल, शी वाज अ सो ग्रेट जस्ट अ वुमन सो कोइंसिडेंस. दे नेम्ड मी यस आफ्टर हर एंड देन सरोजिनी नायडू देन देयर वाज जयप्रकाश नारायण मौलाना आजाद There was Subhash Chandra Bose. Everyone had such great contribution to make. There was Jayaprakash Narayan. There was कितने लोग हैं? I mean नेहरू, जवाहरलाल नेहरू and राजेंद्र प्रसाद। I met राधा कृष्णन। I met हुमायूं कबीर, रफी अहमद किदवाई एंड दे वर ओके ऑल सो वंडरफुल। मतलब अपना सारे का कॉन्ट्रीब्यूशन था उस समय। इट वॉज नॉट एक जने का। भले ही अभी हिस्ट्री में एक जने का बहुत बड़ा छवि है मगर इट वॉज ए टीम और उस टीम से बहुत अच्छा एक प्रभाव हुआ। और हम लोग बोट क्लब में, अभी तो बोट क्लब का पता नहीं क्या सूरत बन गया है मगर बोट क्लब में हम लोग जाते थे तो ये नेता ऐसे ही हमारे साथ रूबरू बच्चों के साथ मिलते थे। ऐसा नहीं था कोई पुलिस वाला है कोई सिक्योरिटी है अच्छा, था नहीं। तो आई थिंक इस दैट्स तरीके व्हाट्स से मिसिंग अबाउट द लीडर्स दीज डेज. उनका जो टच है जमीन से काफी दूर हो गया है. बिल्कुल कहीं है ही नहीं मेरे ख्याल से। तो आई रिमेम्बर देम ऑल एंड ग्रेट कल्चरल लीडर्स आल्सो। कल्चरल लीडर्स भी इतने सारे रहे हैं इस देश में। ये है अपने जय कृष्ण मूर्ति हैं, दलाई लामा हैं, ये भी स्पिरिचुअल यस, लीडर्स थे। जब सेक्युलर लीडर्स है फेथ है एनी मगर थॉट्स ऑन सेक्युलर। ओशो? आई नेवर मेट हिम ओके बट आई थिंक दलाई लामा एंड जय कृष्ण मूर्ति आई हैव मेट एंड आई थिंक दे वर वेरी रैशनल पी दे आर वेरी रैशनल पीपल। वन वॉज एंड वन इज एंड दे मे बी रिलीजियस बट दे आर सेक्युलर ह्यूमन बींग्स। ये हम लोगों को कभी दिमाग में समझ नहीं आता है। दैट्स व्हाई महात्मा गांधी ने कहा था धर्म का उन्होंने कहा कि
भगवान का कोई धर्म नहीं है। बार जी बार कहते थे महात्मा गांधी, क्योंकि भगवान अपने अपने विचारों से अपने अपने संग, और हिंदू संप्रदाय में जन्मते हुए भी कोई शिव को पूछता है, कोई राम को पूछता है, कोई कार्तिक को पूछता है, कोई गणेश को पूछता है, कोई किसी को नहीं बिल्कुल पूछता है। मतलब ये अपना चॉइस होता है, तो इसलिए भगवान का कोई धर्म नहीं है। ये मान्यता इस देश में आ जाए तो हमारे आधे समस्याएं वहीं खत्म हो जाए कि वो तेरा है थोड़ा कि मेरा है। जब आपने तेरा मेरा कहने लगे हैं तो भगवान नहीं है फिर, वो तो कोई संपत्ति है, कोई कुछ चीज है जिसको हम बंटवारा करना चाहते हैं। भगवान अमूर्त हैं, या अल्लाह अमूर्त हैं, या क्राइस्ट अमूर्त है, गुरु नानक अमूर्त हैं, बुद्ध अमूर्त हैं, तो उनको आप कैसे बंटवारा कर सकते हो? किसका है मैम किसका नहीं है फाइनली सब। जी मैम फाइनली वी विल कंक्लूड दिस लेसन एंड दिस चैप्टर एंड बिकॉज यू आर सो इंस्पिरेशनल टू ऑल ऑफ अस एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स, तो इसीलिए हम लोगों में एक बड़ी इच्छा थी कि वी वांटेड टू जस्ट बाय फेस, जैसे आप रिकॉल करती हैं देव सीन दलाई लामा कृष्ण मूर्ति, वी ऑल वांटेड कि एक बार ऐसा हो कि जस्ट वी वांट टू हैव मिसेस अरुणा रॉय जी, वांट टू स्पीक विद यू बिकॉज ऑफ द चेंज, दैट फिनोमिनल चेंज यू हैव ब्रॉट इन द कंट्री. और इसलिए मैं 8-9 महीने से आपको बार बार ईमेल ड्रॉप करे जा रहा था मैम कि मैम अंत में मैं अपने तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने आज के इंटरव्यू में भी वही किया जो आप हमेशा करते हैं, ताकि हम लोगों को इंस्पायर किया है और मेरे मेमोरी बैंक में एक बहुत बड़ी मेमोरी डिपॉजिट करी है. मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा. बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय देने के आपको लिए. बहुत शुक्रिया। हिंदी में भी एक किताब है तो मैं आपको दिखाना, ये अंग्रेजी में केवल नहीं है, आरटीआई की किताब हिंदी में भी है, राजकमल का पब्लिकेशन है, मराठी जी में मैम है, गुजराती में है, और कई भाषाओं में अनुवादित भी है, तो आप कभी पढ़ना उसी भाषा जी में मैम पढ़ना जी चाहते। बहुत बहुत आपको धन्यवाद. बहुत